हेलो एवरीवन, आज फिर से हम एक नए सफर पे चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं यदि हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में नॉर्मलिटी दी है तो आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, नॉर्मलिटी गिवन है, आपसे पूछा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, दो ऑक्सीजन है 32 प्लस 2, मॉलिक्यूलर मास आया 34 ग्राम। इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो 34 डिवाइडेड बाय 2, ये आया 17 ग्राम। अब देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है एक अनस्टेबल लिक्विड है, ये डिकम्पोज होता है वाटर और ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करें, बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली 2 मोल हाइड्रोजन परऑक्साइड आप लेंगे तो आपको मिलेगी 1 मोल ऑक्सीजन। 1 मोल ऑक्सीजन एसटीपी कंडीशन में 22.4 लीटर्स, और H2O2 के 2 मोल मींस 2 into 34 ग्राम मींस 68 ग्राम। तो 68 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड से 22.4 लीटर ऑक्सीजन लिबरेट होती है। करना क्या है हमें, हमें निकालना है हाइड्रोजन परऑक्साइड का मास। यदि हाइड्रोजन परऑक्साइड का मास 68 ग्राम है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, 22.4, उतने लीटर ऑक्सीजन को लिबरेट करें। तो यहां पर जो नॉर्मलिटी गिवन है उससे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का मास कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आप सभी को याद है, ये होता है वेट इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी आपको गिवन है कितना, 1.5, वेट आपको फाइंड आउट करना है, 1000 एक्सप्रेशन में है। इक्विवेलेंट वेट अभी हमने कैलकुलेट करके बताया है 17, वॉल्यूम क्या रखेंगे, तो नॉर्मलिटी होता है, नॉर्मलिटी 1.5 है, तो इसका मीनिंग क्या है, नॉर्मलिटी 1.5 n है, इसका मीनिंग है 1.5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो गया, 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml, तो वॉल्यूम आ गया 1000 ml। यहां से आप वेट निकाल लेंगे, 1000 से 1000 कैंसिल, तो वेट हो जाएगा 17 into 1.5 ग्राम, ये वेट आ गया हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, अब यहां देखिए 68 ग्राम यदि आप हाइड्रोजन परऑक्साइड लेते हैं तो कितना ऑक्सीजन लिबरेट होता है, 22.4 लीटर। तो 68 ग्राम के लिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ है 22.4 लीटर। यहाँ वेट कितना आया, 17 into 1.5 ग्राम, इससे वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकल जाएगी 22.4 अपॉन 68 into 17 into 1.5। इसको सिंपलीफाई करें, 17 फोर्जा होता है 68, और 22.4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5.6, तो फाइनली आ गया 5.6 into 1.5, ये आ जाएगी आपकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, 5.6 into 1.5 करेंगे तो ये आएगा 8.4। अब आपको हम बता रहे हैं शॉर्टकट फॉर्मूला, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, जो दिख रहा है बस वही फाइनल इक्वेशन में जो दिख रहा है, 5.6 into 1.5 क्या थी, 1.5 नॉर्मलिटी, इसकी प्लेस पे हम नॉर्मलिटी लिख देते हैं, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला जनरेट हो गया। जब भी आपको नॉर्मलिटी दी हो और वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए तो फॉर्मूला क्या होगा, 5.6 into नॉर्मल। इजी है ना, याद हो गया सभी को, लव यू ऑल, टेक केयर।